तो सबसे पहले ये पीरी मुरीदी है, ये आपने क्यों किया? कुरान में हुक्म है पीरी मुरीदी का। एक मिनट, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। कुरान में हुक्म है पीरी मुरीदी का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम भी पीरी मुरीदी की, सहाबे किराम ने पीरी मुरीदी किया, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बद रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन ने पीरी मुरीदी किया, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन ने पीरी मुरीदी किया। क्यों कर रहे हैं आप? किस रास्ते पे जा रहे हैं? अगर उन लोगों ने किया तो आप जो कर रहे हैं सही, अगर उन लोगों ने नहीं किया आप कर रहे हो तो गलत है मेरे भाई, गलत काम नहीं करो। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क़ुरान करीम और हदीस तैयबा से जो चीज़ साबित हो जाए उसके ताल्लुक से अगर कोई ये कहे कि ये अन इस्लामिक है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो वो दरअसल क़ुरान करीम का इनकार और हदीस तैयबा का इनकार करता है, और वो अपने आप को मुतवा कहे, शेख कहे, आलिम कहे, हकीकत यह है कि उससे बढ़कर कोई जाहिल नहीं। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सहाबा किराम रिद्वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तारीफ इस शान से बयान फरमाई, इन्नल्लज़ीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, यानी अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत उनके सरों पर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायउनका तहता शजर, कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैअत की। ये आयत करीमा सूरह फतह की है, और अल्लाह ताला ने सूरह मुमतहिना में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबायअनक अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैअ वला यसरिकन वला यज़्निन वला यक़तुलन औलादहुन। ये आयत करीमा जिसका तर्जुमा यह है कि ऐ नबी, जब तुम्हारे हुजूर मुसलमान औरतें हाजिर हों उस पर बैत करने के कि अल्लाह का कुछ शरीक ना ठहराएंगी और ना चोरी करेंगी और ना बदकारी और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, ये पूरी आयत करीमा में बैअत का तस्करा किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बैअत के ताल्लुक से फरमाया, और अल्लाह के औलिया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा और औलिया ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन होते हैं, अम्बिया किराम के वारिस होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिस अगर इस तरह कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान और हदीस पे अमल करते हुए लोगों से तौबा कराए, और इसको अगर कोई ये कहे कि ये अन इस्लामिक है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो आप खुद ही अंदाज़ा करें कि उससे बढ़कर जहालत किसकी होगी। फिर ये कि ये अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ही से बैत जायज़ है, उलमा और औलिया से जायज़ नहीं, तो उनसे हमारा सवाल है, तुम लोगों ने ये क्यों कहा कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत ना करके बहुत बड़ी गलती कर ली। मदीना के गवर्नर के पास खबर भेजी जाती है कि तमाम लोगों ने, तमाम सहाबे किराम ने बैत कर ली है, हुसैन भी बैत पर आमदी जाहिर कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से भी बैत ले लो ताकि खल्फा शार ना, पहले तो हज़रत हुसैन कहते हैं बैत करूंगा, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी कहते हैं मुझे सोचने का मौका दो, सोचने का मौका दो, क्या करना चाहिए था इनको, सोचने के बाद बैत करनी थी, रातों रात भाग गए दोनों, बैत करनी थी रातों रात भाग गए दोनों, बैत करनी थी रातों रात भाग गए दोनों। हजरत हुसैन भी और हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी दोनों ने मदीना को छोड़ दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इसलिए बैत नहीं की कि उसको वो अमीर शेख नहीं मानना चाहते थे, लेकिन नजदी हुकूमत ने यह फतवा दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इमाम हुसैन से बैत कर लेनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर, अपनी बात आती है, यजीदियों की बात आती है तो सब कुछ जायज़,
औलिया किराम और उलमाए अहले सुन्नत की बात आती है तो अगरचे वो कुरान और हदीस से साबित हो तुम्हारे नजदीक ये सब बिदआत और गैर इस्लामी। अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे खबीस लोगों से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मुनाफिकों को छोड़कर वहाबियों को छोड़...